हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आई मेकअप लुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आईब्रो ड्रॉ कर लिया है। मैंने अपना आई लिड के बेस के हिसाब से कॉन्सीलर अप्लाई कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बना रही थी जहाँ पे अनप्लग वीडियो मतलब अनप्लग जो आईब्रो होता है उस पर आप कैसे आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको अगर आईब्रो पसंद आ रहा है तो आप वहाँ से जाके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा। तो चलिए आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको एक जेल आईलाइनर की ज़रूरत पड़ेगा। आपको मेरा मॉडल का आँखें दिख रहा है, उसका आई थोड़ा हुडेड आइज है, जिसपे क्या होता है प्रॉब्लम कि कोई भी आई मेकअप करने के बाद आई मेकअप छुप जाता है। तो ऐसे आँखों पे कैसे आप आई मेकअप करें जो अच्छे से प्रोमिनेंट दिखे, तो उसके लिए मैं जो आई मेकअप करने जा रही हूँ, फर्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, कॉर्नर पे मैंने आईलाइनर ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पे आईलैश पहले से यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी उसके लिए ही। आप चाहे तो आईलैश बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं एक कैट आईलाइनर जो होता है मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हुडेड आईज पे कैट या फिर फॉक्सी आईलाइनर ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है यहाँ पे। और जो कट क्रीज एरिया है वहाँ से मैं आईलाइनर मतलब एक लाइन खींच के आईलाइनर को उसको ज्वाइन कर रही हूँ। आपका अगर हुडेड आईज नहीं है तो आप अपने कट क्रीज एरिया पे ही उसको ड्रॉ करें, बट आपका अगर मेरे मॉडल की तरह हुडेड आईज है तो आप क्या करें, आपके कट क्रीज से थोड़ा ऊपर करें, ताकि आप आंखें जब बंद भी करते हैं या फिर आंखें जब खोलते भी हैं तो आपका जो आई मेकअप है वो पूरा छुप ना जाए उसके लिए। और आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, मैं जेल आईलाइनर को मतलब थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रही हूँ। एक लाइनर जैसे होता है मैं वैसे ही उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप आगे वीडियो फॉलो करें, शायद मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सकूँ। यहाँ पे मैंने लाइनर ड्रॉ कर लिया है, आपको शेप दिख रहा होगा। देन इसके बाद मैं एक ब्रश की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने कोई कलर इस पर या फिर कोई पाउडर आई शेडो यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो आप ऐसे ही उसको स्मज करें तो अच्छे से ड्राई हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, आँख खोलने के बाद भी आईलाइनर थोड़ा मतलब दिख रहा है अभी भी। तो ऐसे ही आपका हुडेड आईज है तो आप ऐसे भी आईलाइनर लगा सकते हैं। देन एक कॉर्नर के हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे कार्निवल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, फेयर प्ले शेड है उसका। आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। देन में एक बैक चट जो शेड है आप देख सकते हैं, शिमर कलर, मैं यहाँ पे ब्लू शिमर कलर यूज़ कर रही हूँ। और ये रहा, एक्चुअल में आपको इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये आई मेकअप पे, यहाँ पे लुक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि आंखें ओपन करने के बाद भी आई मेकअप पूरा ढक नहीं रहा है, अच्छे से दिख रहा है अभी भी वो जो आप लुक दिख रहे हैं। कुछ नहीं तो आपको आईलाइनर दिखेगा, ऐसा नहीं कि आपका आई मेकअप छुप जाएगा। तो आपको अगर ये वाला लुक अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो मैंने ऑफ कैमरा दोनों आई मेकअप मेरा कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर आई मेकअप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो पास के बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना, उससे क्या होगा आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।